नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। वक्त हो चला है लंच टाइम बुलेटिन का, नजर डालेंगे अब तक की सभी बड़ी खबरों पर। गलवान के हिंसक झड़प के 3 दिन बाद चीन ने 2 मेजर समेत 10 जवानों को छोड़ा। चीन ने झड़प में 2 मेजर समेत 10 भारतीय जवानों को बनाया था बंधक, जिन्हें 3 दिन की बातचीत के बाद रिहा कर दिया गया है। गलवान घाटी के PPE-14 में हुई थी खूनी झड़प। झड़प में भारत के 20 जवान हुए थे शहीद, 76 हुए थे घायल। भारत चीन सीमा विवाद पर पीएम मोदी के साथ होगी सर्वदलीय बैठक, सोनिया गांधी शरद पवार भी होंगे शामिल। ये बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी, बैठक आज शाम 5 बजे होगी। बैठक में कई राजनीतिक दल के अध्यक्ष भी होंगे शामिल। देश के 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए वोटिंग जारी। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के बीच करीबी मुकाबला होने की संभावना, आज शाम को घोषित होंगे परिणाम। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 13,000 से अधिक नए मामले आए सामने, कुल मरीजों का आंकड़ा 3,80,000 के पार पहुंचा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 13,586 नए मामले आए सामने, 336 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 8,726 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,877 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने, 65 लोगों की हुई मौत। अब दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 39,969 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से हाल बेहाल, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,752 नए केस आए सामने। इसी दौरान पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के 100 मरीजों की जान भी गई। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 1,20,504 हुई, जिनमें 5,751 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के पंपोर की मस्जिद में घुसे दोनों आतंकी हुए ढेर, शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी। अवंतीपोरा में गुरुवार को एक आतंकी मारा गया था, जबकि बाकी आतंकी पास की मस्जिद में घुस गए थे। आज सुबह एनकाउंटर में दोनों आतंकी मारे गए। वहीं शोपियां के मुनाद में भी गुरुवार को एक आतंकी मारा गया था। लखनऊ में घंटा घर पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को लखनऊ पुलिस ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस धारा 143, 147, 188, 353 IPC में दर्ज मुकदमों के लिए भेजा गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85 लाख के पार, अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। दुनिया में कोरोना से 85 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 55,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 44 लाख से ज्यादा लोग इसे मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से आए हैं। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरपाया। अमेरिका में 22 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 1 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।